हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन नेक्स्ट इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर हो तो उसको कैसे सोल्व करना है सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अगर आपको वैल्यू देता है इन्फिनिटी, सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स आपको वैल्यू देता है इन्फिनिटी, और कंबाइन करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, राइट। तो अब पुट करते हैं तो अपने पास क्या फॉर्म आएगी, ये इन्फिनिटी होगा और अपने पास जी ऑफ एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब बात आती है भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। जनरली क्या करने वाले हैं, जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर अपनी जो जीरो बाय जीरो फॉर्म है अगर इसके अंदर कन्वर्ट होगी तो इन दैट केस क्या होगा, आप इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे तो इसको देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स से तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए डिवाइड कर रहे हैं तो वन बाय एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ऊपर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, बाहर क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये इसके डिवाइड में आ गया और दोनों टर्म के साथ अलग अलग लिख दिया। अब देखो, यहां से एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स गया, जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स गया, बच गया क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ऊपर बच गया मेरे पास वन बाय जी ऑफ एक्स माइनस वन बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जो ये एफ ऑफ एक्स है, क्या इसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन में लिख दिया। तो अब देखो, जी ऑफ एक्स क्या दे रहा था, इन्फिनिटी, तो वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन बाय इन्फिनिटी, नीचे देखो वन बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो वन बाय इन्फिनिटी हो गया ना, तो वन बाय इन्फिनिटी जनरली क्या होता है, जीरो माइनस वन बाय इन्फिनिटी जीरो और वन बाय इन्फिनिटी जीरो, तो ये जनरली अपने पास कौन सी फॉर्म आ गई भाई, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो तो उसको जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार फिर से देख लो, जनरली मैंने क्या किया, ये एफ ओफ एक्स माइनस जी ओफ एक्स था, इसको एफ ओफ एक्स जी ओफ एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये एफ ओफ एक्स और जी ओफ एक्स था, इसको मैं अंदर लेके आया, अंदर लेने के बाद एफ ओफ एक्स से एफ ओफ एक्स गया, जी ओफ एक्स से जी ओफ एक्स गया। उसके बाद क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया और ये था, इसको मैं अपॉन में ले गया। जैसे ही अपॉन में लेके जाते हैं तो ये अपने पास क्या होगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन से है ना, उनमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलेंगे। ये तो एफ ओफ एक्स और जी ओफ एक्स की बात थी, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलते हैं तो उनके लिए वर्किंग रूल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली होने क्या वाला है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिलेंगे। ये थी एफ ओफ एक्स और जी ओफ एक्स की बात, यानी कि जर्नल। अगर टी रेशियोज दिए हो आप लोगों को, क्या दिए हो, टी रेशियोज। अब टी रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो अब इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जो ये सॉल्यूशन है ये आप लोगों के काम आने वाला है, ठीक है, वो मैंने जर्नल बताया था। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, जितने भी टी रेशियोज हैं उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है भाई। टी रेशियोज को क्या करो, कन्वर्ट करो किसके अंदर, या तो साइन के अंदर या कोस एक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को कोट मिलता है, कोसिकेंट मिलता है, सिकेंट मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। जैसे ही साइन और कोस में कन्वर्ट होते हैं तो उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेके उसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, राइट। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर भैया आप लोगों को क्या मिल जाएगी, जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाएगी,
ठीक है। और इसके ऊपर क्या करते हैं आप लोगों को पता है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई करते हैं? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, राइट। फिर से देखो एक बारी, जनरली करने क्या वाले हैं अपने पास, टिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे। उन टिग्नोमेट्री रेशियोज को जैसे कोट आ गया, कोसिकेंट आ गया, सिकेंट आ गया, तो उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बाद आप उनका एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+1/x - कोसिकेंट एक्स, ठीक है। क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+1/x - कोसिकेंट एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या पढ़ा था भैया अभी वर्किंग रूल के अंदर, अगर कोसिकेंट हो, सिकेंट हो, कुछ भी हो, कोट हो, तो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो। तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+1/x - 1/sin x। एक्चुअली रिलेशन आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे पास साइन एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/cosec x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने, तो कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x। एलसीएम लो, एलसीएम मेरे पास आ गया x sin x, ठीक है। यहाँ पर लिमिट चल ही रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, माइनस का एक्स। अब लिमिट पुट करके देखो, ये मेरे पास क्या थी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी। चेक करेंगे, 1/0 जनरली क्या होता है, इन्फिनिटी, और कोसिकेंट 0, साइन 0 क्या होता है मेरे पास, साइन 0 0 होता है। अब कोसिकेंट 0 जनरली क्या होगा, वो होगा 1/0, और 1/0 जनरली क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म थी, ठीक है। फिर क्या किया, टिग्नोमेट्री रेशियोज थे, साइन और कोस में कन्वर्ट करने होते हैं वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप पुट करो, साइन 0 0 होता है भाई, एक्स की जगह 0 पुट करोगे 0 ही आएगा, नीचे मेरे पास 0 आ गया। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई भाई, 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म आती है तो यू हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल, लाइन लिखनी होती है भाई अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ऊपर वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले का अलग से, -1/ इसको यू इंटू वी से सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड एज फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब पुट करके देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 0 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, साइन 0 0 होता है, कोस यहाँ पर 0 पुट करोगे 0 × 1 0। तो फिर से मेरे पास क्या आ गई भाई, 0/0 फॉर्म आ गई। तो एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोस का आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन एक्स, अपॉन नीचे क्या आ गया, साइन का करेंगे कोस एक्स, प्लस इसको यू इंटू वी से सोल्व करो, एक्स का किया 1 कोस एक्स, एक्स को लिखते हैं एज इट इज, और साइन का कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, तो ये प्लस है, यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। फिर से पुट करके देखो, फिर से पुट करेंगे मेरे पास ये क्या आ जाएगा भाई, ये होगा जनरली साइन एक्स की जगह पुट करोगे तो ये 0 हो गया, नीचे कोस एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 1 हो गया, कोस एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये प्लस का 1 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का 0। तो जनरली क्या आ गया भाई, 2/0 यानी कि 0, राइट। तो ये अपने पास क्या था भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 था, जिसका आंसर मेरे पास क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी सेम प्रोसेस रहेगा, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, और लिमिट क्या दे रखी है, 0+ और कोट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो सॉल्यूशन का मेथड वही रहेगा जो अभी बताया था, टिग्नोमेट्री रेशियोज को साइन और कोस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर एक बारी चेक कर लो कि ये एक्चुअल में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है या नहीं है, ठीक है। अब देखो कोट 0, 10 0 0 होता है तो 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा भाई, और ये -1/0 ये भी इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होता है कि कौन सी फॉर्म है, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए अलग रूल है, 0 × इन्फिनिटी वो बता चुके हैं, 0/0 आप लोगों को पता ही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आप लोगों को पता है,
ठीक है। अब इनके लिए सभी के लिए वर्किंग रूल आप लोगों को पता है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना होता है कि अपने पास कौन सी फॉर्म है। पेपर के अंदर एक्चुअली ये नहीं होगा, यहाँ पर तो एग्जांपल्स हैं, जैसे एक फॉर्म दी उसके एग्जांपल है, फिर नेक्स्ट फॉर्म उसके एग्जांपल। एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं होगा, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन होगा। इवेल्युएट ये आ गया, मान के चलो इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कोट एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन एक्स। इन दैट केस यू हैव टू डिटरमाइन कि इसके अंदर अपने पास कौन सी इंडेटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम लो। सबसे पहले वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग टी रेशोज को साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं भाई, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन वन बाई एक्स। तो इसको चेंज करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो चेंज कर लिया, एलसीएम लेके सोल्व करो। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स कोस एक्स माइनस वन अपॉन में वन बाई एक्स है भाई, ठीक है। अपॉन में वन बाई एक्स नहीं, अपॉन में एक्स ही है भाई, ठीक है। जस्ट इसका ऊपर एलसीएम लिया और नीचे वाले एक्स को एज इट इज लिख दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स कोस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। अब चेक करके देखो, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो माइनस वन, और ये मेरे पास क्या आ गया, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक होगी ना, बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर साइन एक्स आ गया, वन नहीं आएगा साइन एक्स आएगा। फिर से देखो एक बारी, एक्स साइन एक्स एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स कोस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स, ठीक है। अब जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो ये जीरो होगी, ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, नीचे भी क्या बन रहा है जीरो, तो ये जनरली मेरे पास क्या आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, ठीक है। अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है भाई, साइन एक्स दिखाई दे रहा है, तो इस टर्म को जनरली क्या कर रहा हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अब ये एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आप लोगों को पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है मेरे पास, तो साइन एक्स अपॉन एक्स जनरली क्या होता है वन होता है, ठीक है। अब वो वन पुट करने के बाद क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ऊपर आ गया मेरे पास एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। करो डिफ्रेंशिएट, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया कोस एक्स एज इट इज प्लस का एक्स एज इट इज, कोस एक्स का करेंगे माइनस का साइन एक्स, तो मैं यहीं पर माइनस का साइन एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसका करेंगे माइनस का कोस एक्स, ठीक है, माइनस पहले से साइन एक्स का किया कोस एक्स, नीचे मेरे पास आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। अब जीरो पुट करो, तो ये जनरली जीरो पुट करोगे तो ये मेरे पास वन आएगा, ये जीरो हो गया, ये माइनस का वन हो गया, वन माइनस वन करोगे फिर से मेरे पास क्या आ गई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। इस ये ऐसे भी हो सकता है, ये कोस एक्स है प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बच गया माइनस का एक्स साइन एक्स, माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो माइनस का साइन बाहर ही है, फर्स्ट का किया साइन एक्स एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का किया कोस एक्स, नीचे मेरे पास क्या आ गया भाई, नीचे मेरे पास आ गया सिक्स एक्स। फिर से जीरो पुट करो, जीरो पुट करेंगे साइन जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन करोगे कोस जीरो तो वन होता है, एक्स की जगह जीरो पुट करोगे जीरो इंटू वन जीरो ही आएगा, फिर से मेरे पास क्या आ गई भाई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखनी होती है लाइन, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन तो बार है ही मेरे पास, साइन का करोगे कोस एक्स, साइन का किया मेरे पास क्या आ गया कोस एक्स, और इसको यू इंटू वी से सोल्व करो, सोल्व किया फर्स्ट का किया कोस एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, कोस एक्स का करोगे माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखा, ये प्लस का है इसकी जगह माइनस कर दिया, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे मेरे पास सिक्स आ गया, इस ब्रैकेट को जनरली ओपन कर लो, ये कोस एक्स किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कोस एक्स किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये टर्म किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो पुट करके देखो, पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे, ये मेरे पास जनरली माइनस वन होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा माइनस वन होगा,
ये क्या हो जाएगी टर्म, जीरो हो जाएगी अपॉन सिक्स। तो क्या आ गया भाई, माइनस का टू अपॉन सिक्स यानी कि माइनस का वन बाई थ्री। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का वन बाई थ्री, राइट। तो ये आप लोगों का था एग्जाम्पल नंबर सिक्स। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर सेवन। एग्जाम्पल नंबर सेवन है मेरे पास, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स। फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, वन बाई साइन जीरो, जीरो ही होता है, वन बाई इन्फिनिटी माइनस वन बाई इन्फिनिटी। तो ये जनरली इन्फिनिटी माइनस वन बाई जीरो इन्फिनिटी होगा, माइनस वन बाई जीरो भी क्या हुआ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, मेरे पास एलसीएम आ गया साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। लिमिट क्या चली रही है अपनी, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। अब पुट करके देखो, पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जनरली साइन की जगह जीरो पुट किया तो मेरे पास जीरो आ गया भाई, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे जीरो आ गया, नीचे जीरो आ गया। तो कौन सी फॉर्म आ गई भाई मेरे पास, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। अगर आप लोगों को जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलती है तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई एलोस्पिटल रूल। ठीक है, एलोस्पिटल रूल अप्लाई करो। उससे पहले नीचे देखो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स है, तो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड। अब सेम फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा भाई, वन हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, होल का स्क्वेयर कर दिया तो ये वन हो गया, वन का स्क्वेयर वन ही होता है। तो ये मेरे पास क्या बच गया भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या बच गया, एक्स की पावर फोर। अब एक चीज और बता देता हूँ, एक्स की पावर फोर है तो जनरली चार बार इसको क्या करना पड़ेगा, एलोस्पिटल रूल से सोल्व करना पड़ेगा। ये मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, अप्लाई करो एलोस्पिटल रूल। अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का किया टू साइन एक्स कोस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन फोर एक्स क्यूब। ठीक है, अब जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे, आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या साइन टू एक्स को आप लिख सकते हैं टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब इसका अगले क्वेश्चन में भी यूज होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, इसको आगे लिख देता हूँ, साइन टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन फोर एक्स क्यूब। फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाएंगे, क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, ये मेरे पास आ गया साइन टू एक्स कोस टू एक्स, और टू एक्स का किया मेरे पास क्या आ गया, टू आ गया, माइनस का टू अपॉन ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर। फिर से जीरो पुट करके देखो, फिर से जीरो पुट करेंगे तो कोस टू एक्स, जीरो पुट किया ये मेरे पास क्या हो गया, वन हो गया, और ये टू, टू इंटू टू, टू इंटू वन, वन हो गया, और ये माइनस का टू है ही, तो टू माइनस टू जीरो, नीचे भी जीरो, तो ये मेरे पास क्या आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। फिर से क्या करो, एल एक बारी फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कोस टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टू एक्स। ठीक है, और टू बार पहले से, ये टू एक्स का किया टू आ गया, तो टू पहले से बार है, टू टू फोर हो जाएगा, माइनस का टू का करोगे जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। आगे क्या आ गया, ट्वेंटी फोर एक्स, क्या आ गया, ट्वेंटी फोर एक्स। ठीक है, ट्वेंटी फोर एक्स, फिर से क्या करो, एक्स की जगह जीरो पुट करो तो फिर से कौन सी फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, इसका करोगे तो माइनस का कोस टू एक्स, टू एक्स का करोगे तो एक टू बार और आ जाएगा, फोर पहले से ही, ये क्या हो जाएगा, एट, आगे कुछ है ही नहीं, नीचे क्या है, ट्वेंटी फोर एक्स। अब पुट करके देखो, पुट किया तो क्या आएगा, कोस एक्स की जगह जीरो तो कोस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का एट अपॉन ट्वेंटी फोर, तो माइनस का, राइट। तो ये आप लोगों का भाई एग्जाम्पल नंबर सेवंथ का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट था, अब बात करते हैं सेवंथ के सेकंड पार्ट की। सेवंथ का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर
बुक के अंदर देखोगे तो इसको सीरीज एक्सपेंशन से सोल्व किया गया है। सीरीज एक्सपेंशन से सोल्व करना जरूरी नहीं है, आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बारी मैं ये सॉल्यूशन लिख लेता हूँ इस एग्जांपल का, सेकंड पार्ट का, उसके बाद आप ये करते हैं। अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7th का सेकेंड पार्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। 1 बाय एक्स स्क्वायर यानी कि 1 बाय 0 इन्फिनिटी, और 10 0 0 होता है 1 बाय 0 करोगे, यानी कि कोट 10 का उल्टा होता है, तो 1 बाय 0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो टी रेशियोज के अकॉर्डिंग अपने को साइन कोस में चेंज करना है, कोट को कोट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे देखो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है भाई, वन होता है। ठीक है, तो नीचे क्या बच गया, एक्स की पावर फोर बच गया, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई अपने पास। ठीक है, अब यहां से बुक के अंदर तो सीरीज एक्सपेंशन से सोल्व किया हुआ है भाई, अब अपने को तो एली हॉस्पिटल रूल आता है। सीरीज भी आप कर चुके हैं, बट सीरीज से क्या करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी बुक के अंदर सीरीज एक्सपेंशन से सोल्व किया हुआ है वहाँ से देख लेना, बट मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग करो तो आपको प्रॉब्लम आए तो यहाँ से सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है भाई, ये साइन स्केयर एक्स है, डिफ्रेंशिएशन आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या है यू इन टू वी से इसको सोल्व कर लिया, अपॉन में 4 एक्स क्यूब। सिमिलरली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे किया, ये जनरली साइन 2 है अपने साइन 2 एक्स, अभी बताया था मैंने साइन 2 एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है अपने पास बिल्कुल। तो इसकी जगह देखो साइन 2 एक्स पुट कर दिया, माइनस बाहर लेके आए तो प्लस हो गया एक्स स्क्वेयर, ये देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये भी साइन 2 एक्स हो गया, माइनस का 2 एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं साइन 2 एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, साइन 2 एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको यू इन टू वी से सोल्व करेंगे, इसको भी यू इन टू वी से सोल्व करेंगे, ये किया हुआ है। ठीक है, साइन 2 एक्स को एज इट इज लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्या आएगा 2 एक्स आएगा, यहाँ पर देखो फिर क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज लिखा, और उसके बाद अपन ने साइन 2 एक्स का, साइन 2 एक्स का कोस 2 एक्स, और 2 एक्स का करेंगे 2 आ गया। सिमिलरली इसको सोल्व किया है। ठीक है, अब सोल्व करने के बाद यहां से 2 एक्स और ये हो गया, हाँ ये वाली टर्म देखो ये क्या आएगी मेरे पास, 2 एक्स साइन 2 एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप साइन 2x, 2x ये जगह 4 साइन x, और यहाँ पर ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर एक बारी और डिफ्रेंशिएट किया, अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको एक बारी देख लेना, जस्ट मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लिख दिया, तो एल हॉस्पिटल रूल से आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो। राइट, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो एक बारी देख लेना एग्जाम्पल नंबर 7th का सेकेंड पार्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी, दैट इज क्रिएटिव स्टडी एके, यहाँ ये आई डी है भाई, इसके ऊपर आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई मिलेगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए ये अपने पास टेलीग्राम ग्रुप है पीसीएम बाय एके, जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने चैनल आ जाएगा क्रिएटिव स्टडी एके। ठीक है, ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके।